अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह का, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने वाले हैं बग़ैर आटा गूंदे पराठा बनाएंगे हम। ये स्पेशली उन मदर्स के लिए है जिनके बच्चे सुबह सुबह ज़िद कर जाते हैं पराठा खाने के लिए या लंच में साथ लेके जाने के लिए, और आटा नहीं गूंदा होता तो माएँ परेशान हो जाती हैं कि अब हम क्या करें। तो ये स्पेशली उनके लिए है क्योंकि अब उनको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताने लगे हैं आज एक ऐसा पराठा जो बग़ैर आटा गूंदे आप बना सकती हैं, बहुत इजीली और बहुत जल्दी बन जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक कप मैदा, एक बाउल में डाल लेंगे इसको। इसको मैंने पहले छान लिया था। हाफ टी स्पून इसमें डालूँगी मैं नमक। आप चाहें तो यहाँ पे चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मीठा पराठा बनाना है तो उसमें नमक नहीं जाएगा, फिर उसमें चीनी जाएगी, तो वो आप अपने टेस्ट के लिहाज से डाल सकते हैं। और साथ ही हम इसमें डालेंगे एक अदद अंडा। अंडे को हम फेंट लेंगे अच्छे से। ये देखें, दो टेबलस्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल के डालेंगे, कोई सा भी ऑयल ऐड कर सकते हैं आप। साथ ही हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक बैटर सा रेडी कर लेंगे। पानी हम इसमें हसबे ज़रूरत यूज़ करेंगे, जितना हमें चाहिए होगा, क्योंकि बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना हमने और बहुत थिक भी नहीं करना। ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। देखें, कुछ देखने में इस तरह का होगा। हमें बहुत थिक या बहुत पतला नहीं चाहिए बैटर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पराठा। एक पैन ले लेंगे, उसमें हम तकरीबन एक से दो ड्रॉप ऑयल के डालेंगे और इसको ब्रश की मदद से फैला लेंगे हम पूरे पैन में। अब ऐसे हम इसको एक भर के ले लेंगे बाउल, दरमियान में डाल देंगे ऐसे और इसको फैला लेंगे हम, गोल कर लेंगे ऐसे। फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखनी है, स्टार्ट में हमने बिल्कुल लो रखनी है। ये देखें, इसको कवर कर देंगे ऊपर से ऐसे हम तकरीबन 5 मिनट के लिए। जी तो 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखें बबल्स भी बन गए हैं इस पर। दूसरी साइड पे भी ऑयल लगाएंगे, इस पर भी ऑयल लगा लेंगे और इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे। इतना प्यारा सा गोल्डन कलर आया है इसका। अभी हम इसको फिर कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। ये जी हमारा पराठा दोनों साइडों से बिल्कुल रेडी है। देखिए कितनी अच्छी इसकी लग रही है लुक। ये मैं दूसरी साइड से भी चेक करवाती हूँ आपको। ये देखें, बहुत झटपट बन जाता है ये पराठा और बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए अभी हम इसको डिश आउट करते हैं और बाकी के पराठे हम बना लेते हैं फटाफट से। जी तो ये देखें, हमारे पराठे बन के तैयार हो गए हैं। 1 कप से 3 पराठे बने हैं। देखें कितने सॉफ्ट और कितने मज़े के पराठे, कलर भी इनका कितना खूबसूरत आया है। तो बहुत जल्दी और बहुत झटपट बन जाने वाले ये पराठे हैं। आपको भी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अभी आप बनाइए, 5 मिनट में बन जाएंगे ये पराठे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।